खबर कर रहा हूँ वो इटावा जिले की पशु मंडी है, जहाँ पर काफी तादाद में भैंसे आती हैं यहाँ खरीदी बिक्री के लिए। और यहाँ की अपडेट लेते हैं, यहाँ कौन कौन सी नस्ल की भैंसे मिलती हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये पीछे जो भैंस, ये कौन सी नस्ल की भैंस है? ये हरियाणा की भैंस है। हरियाणा की? हाँ, बनावरी भैंस। अच्छा, हरियाणा की। हाँ, क्या कितने कीमत की है? ये दूध 10 से ऊपर दे सकती है, 10 किलो से कम नहीं देगी। अच्छा, यानी दोनों टाइम का 10 लीटर। हाँ, और क्या कीमत मांगी? 85,000 रुपए। ये कौन सी नस्ल की भैंस है? कौन सी नस्ल की है? ये बदावरी। बदावरी? बदावरी। अच्छा अच्छा, ये पहला पड़ी है? पहला पड़ी। तो ये अभी ब्यानी नहीं है? नहीं। अच्छा, 15 दिन है। कितने दिन लगी? 15 दिन। 15 दिन। तो दोस्तों 15 दिन में दे, क्या कीमत है इसकी? ये 55,000। 55,000। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये 55,000 रुपए इस भैंस के बता रहे हैं। और ये कौन सी नस्ल है इसके बारे में हमको तो ज्यादा जानकारी ठीक। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक से एक भैंसे आई हैं यहाँ, और आसपास के गांव से आती हैं, जो इटावा के आसपास के गांव हैं। और यहाँ काफी तादाद में भैंसे मिलती हैं। और जानते हैं ये भैंसे कौन से गांव की? कौन से गांव के? नंगला जग। ये कौन सी नस्ल की भैंस है आपकी? देसी। ये देखो दोस्तों, ये देसी नस्ल की है। क्या कीमत रखती है तुम्हारी भैंस? हमने तो 75 मांगे अभी। अच्छा, तो दोस्तों ये इसके 75,000 रुपए बता रहे हैं। केवा है ये? तेवा भी आई। ये तेवा आप कहीं से भी आकर यहाँ भैंस ले सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आप, हर प्रकार की सिक्योरिटी भी मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पूरे देश से आके इस मंडी में भैंसे खरीद सकते हैं। और दोस्तों काफी बड़ी मंडी है ये। ठीक पीछे तक देखो, जहाँ जहाँ कैमरा, मौजूद है पशुपुरा के मंडी अध्यक्ष समर्थ पांडे। क्या नाम है भाई साहब? समर्थ पांडे। ये कौन से दिन मंडी लगती है? ये मंडी लगती है आपकी गुरुवार को और रविवार को। अच्छा। और जो बड़ी पेट लगती है वो गुरुवार को लगती है। अच्छा। तो यहाँ पर मतलब पूरे देश से आदमी आकर, यहाँ से करीब 20 जिलों का आदमी आता है, व्यापारी आता है, किसान आता है, किसान का माल आता है। यहाँ आप MP में देखिए, सागर, इंदौर, भोपाल और गुना, काफी दूर का व्यापारी यहाँ पे आता है। उरई, विदिशा और सागर, सारा व्यापारी हमारे यहाँ आता है, किसान माल लेके आता है। जौनपुर से जो है भैंसे आती हैं जी। तो जैसे भाई साहब, जैसे अभी अपने YouTube के माध्यम से जो लोग अभी नए नए व्यूअर से देखेंगे, वो यहाँ पर जैसे आने में किसी प्रकार का डर है कुछ? नहीं नहीं, यहाँ पे किसी पर हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे होती है। जो किसान रात में आ जाता है वो हमारे डेयरी फार्म पर रुकता है, गद्दे की व्यवस्था होती है उसकी, सोने की व्यवस्था होती है, दो गार्ड रात में वहाँ उपस्थित रहते हैं रात में। यहाँ पे प्रशासन भी पूरा हमारी मदद करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे व्यापार की जी। तो भाई साहब, यहाँ एक जानकारी और चाहिए, ये सभी नस्ल की भैंसे पाई जाती है यहाँ पे? सभी देखो, जाफराबादी यहाँ पे आती है, मुर्रा यहाँ पे आती है, ये भैंसों की मैं बता रहा हूँ। बाकी गायों में गीर आती है, साहिवाल आती है, ये और HF वगैरह आती हैं, ये सारी गाय यहाँ पे आती है।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका जी, जी। तो आपने इस मंडी के बारे में हमारे व्यूअर्स को आपको भी हैप्पी गॉड फार्म को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ पे आए अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, धन्यवाद बस।